सोमवार को देश भर के वन मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। कॉन्फ्रेंस में दो मुख्यमंत्रियों सहित देश के 30 वन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश भर के वन मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोमवार को किया गया। हिमाचल प्रदेश वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रदेश को 4 पॉइंट्स का एजेंडा मिला था, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि नवग्रह नगर वन स्कीम को लॉन्च करने को कहा गया है, उस पर शिमला में कार्य किया जा रहा है और अब इसमें धर्मशाला और सुंदरनगर को भी शामिल किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि योजना के तहत 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जिससे नवग्रह वाटिका बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इको पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में एक नया जंगल तैयार किया जा सके, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। पठानिया ने कहा कि भारत सरकार की ओर से एक स्कूल नर्सरी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बच्चा स्कूल में नर्सरी लगाए और जब पौधे तैयार हो जाएं तो बच्चा घर ले जाकर पौधे रोपित करे, साथ ही गांव में भी पौधे रोपित किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चा पौधों को पालेगा भी और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी बच्चे की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नई योजना के तहत जितनी भी प्रदेश की नदियां हैं उनके किनारों पर पौधे रोपित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन नदियों में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी शामिल है। इंडिया फॉरेस्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और MOS सुखैया जी और गुजरात के अब हमारे दो मुख्यमंत्री थे, इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और सारे 30 फॉरेस्ट मिनिस्टर पूरे देश के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमें 4 पॉइंट्स का एजेंडा जो भारत सरकार से मिला था उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया है। इसमें एक नवग्रह नगर वन स्कीम जो है उसको लॉन्च करने के लिए कहा गया है। उसमें हम शिमला में भी काम कर रहे हैं, उसमें हमने अभी धर्मशाला और सुंदरनगर को भी ऐड किया है और इसके तहत हम 2-2 करोड़ में हमें भारत सरकार से इसके लिए मिलेगा, जिसमें हम नवग्रह वाटिकाएँ लगाएंगे, इको पार्क्स बनाएंगे, वॉकिंग ट्रेल्स बनाएंगे और वहाँ पे फेंसिंग करेंगे और शहर के बीच में जैसे धर्मशाला है इसके बीच में हम नया जंगल उगा सकें उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे। एक टारगेट फिक्स करके उसको हमने एक साल में पूरा करना है। इसी तरीके से स्कूल नर्सरीज के बारे में एक स्कीम आई है भारत सरकार से कि जहाँ पे स्कूल का बच्चा जो है स्कूल अपना स्कूल में नर्सरी लगाए और जब वो नर्सरी का प्लांट तैयार हो जाए उस प्लांट को लेकर अपने घर में जाए और अपने घर में जाके क्योंकि उस बच्चे ने अपने हाथ से वो पौधा तैयार किया होगा तो बहुत शौक के साथ उस घर उस प्लांट को अपने घर लेके जाएगा, एक प्लांट अपने घर में भी लगाएगा और अपने गॉड में भी लगाएगा। इस तरीके से उन पेड़ों को पालेगा भी और उनको बड़ा भी करेगा। जिस बच्चे को बचपन से पेड़ से प्यार हो जाएगा वो सारी उम्र एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ह्यूमन बींग बनेगा, वो हमेशा के हमेशा एक पेड़ की इज्जत करेगा। इसी तरीके से हमारे पास 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो नेशनल एफोरेटेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड है इसके तहत जो हमें टारगेट दिया गया उस टारगेट की आज मैंने अपने रखा है। इस टारगेट को हम काफ़ी आगे तक बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लगभग जो है 9000 हेक्टर से बढ़ाकर उसको 14000 हेक्टर पर लेके जाने का इस साल का प्रयास है। हमारा टारगेट 2030 तक जो 27.2% फॉरेस्ट कवर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ाकर हम 30% लेके जाना चाह रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर जो है वो 30% तक जाए। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे हो इसके ऊपर आदरणीय मंत्री जी ने जोर रखा है, इसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस रखा है। उसके अंदर हम कई तरीके हैं, कई स्कीमें हैं जिसके तहत हम फॉरेस्ट के लोगों को फॉरेस्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से जो नदियों की बात है, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो ICFRE के द्वारा देहरादून में बनाई जा रही है। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, जितने दरिया नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश निकलती हैं उनके किनारों पे लाखों प्लांटेशन ट्री लगाने हैं। इसके तहत सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना हमारे हिमाचल में आती हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।